स्वागत है स्टूडेंट्स एक आपका फिर से हमारे YouTube चैनल लेट्स डू इट के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 राकेश यादव क्लास नोट्स ज्योमेट्री टॉपिक। हमें डायग्राम दिया हुआ है जिसमें AB इज पैरेलल टू CD बताया हुआ है। क्लियर दिख रहा है कि AB इज डायमीटर जो सेंटर से निकल रही है कॉर्ड, इसलिए एंगल BCD जो है वो हमसे पूछा गया है कितना होगा और एंगल CGB 63 डिग्री बताया हुआ है। एंगल CGB 63 डिग्री बताया है ना। इस डायग्राम को थोड़ा दोबारा बना लेते हैं अपन। देखें जितना डायग्राम बड़ा बनाते हैं ना उतना अच्छे से क्लियर होता है, बार बार कहता हूं है ना। अभी देखिएगा ये अपना AB और ये CD, यहां A और यहां B। अब यहां G पॉइंट दिया हुआ है और बोला कैसे है CGB सेंटर ये मान लेते हैं, CGB 63 डिग्री बोल दिया। ठीक है, आप जानते हैं ना, एक बहुत सिंपल से कुछ चीजें बता रहा हूं, दिमाग में रखिएगा। सबसे पहली बात, ये एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड से आप ऊपर वाले नीचे कोई भी एक आर्क में, जैसे इस वाले आर्क में जितने एंगल बनाना चाहे सर्कमफेरेंस से उतने एंगल बना लीजिए, सारे एंगल आपस में क्या होंगे बराबर, और नीचे भी जितने बनाना चाहे उतने बना लीजिए वो भी आपस में बराबर होंगे। लेकिन ये आपस में बराबर हो मैं नहीं कह सकता, और इनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा ड्यू टू साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज के कारण। आगे बता दूंगा क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज। एक नियम और होता है, डायमीटर जो होता है वो सेमी सर्कल पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है, राइट। सर्कमफेरेंस के ऊपर सेमी सर्कल बन गया एक तरह से, तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये डायमीटर है। अगर मैं इसको इससे मिलाऊंगा तो ये पूरा एंगल 90 का होगा, मतलब ये वाला कितना हो गया 27 डिग्री, क्या सही। मुझे एंगल कौन सा चाहिए, बीसीडी। देखो यहां एक चीज बोली हुई है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, अगर पैरेलल है तो जेड बन रहा है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये ए सी, आपको पता है ये जो है मैं कहता ना एंगल सेम होते हैं, ये अल्फा जो बने हुए, ये जीवा कभी बनी भी आती है कभी नहीं आती है, आपको इमेजनरी देखनी पड़ती है। जैसे आज देखो ए सी एक जीवा ही होगी, कॉर्ड होगी, वो एंगल बनाएगी 27 सर्कमफेरेंस के ऊपर, तो ये भी सर्कमफेरेंस ही है, यहां पर भी 27 डिग्री ही तो बनेगा। ए सी ड्रॉ हुई भी हो, लाइन मिली भी हो, ऐसा जरूरी नहीं, दो पॉइंट है ना सर्कल के, वहां से आप इमेजिन करेंगे 27, तो ये भी 27 ही होगा, तो आपका आंसर बी सी डी। अब देखो ये 27 तो ये भी कितना है 27, तो आपका आंसर बी सी डी कितना आ गया 27 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इस वाले डायग्राम में मेरे को बी सी डी पूछा है, बड़ा सिंपल है, देखो कुछ भी नहीं करना, ये बी सी एक कॉर्ड है, अगर ये 27 है तो यहां भी 27 होगा या नहीं होगा। अब इसके बाद आप बताओ बी सी डी मैं निकाल के दूंगा क्या आपको, एक ट्राइंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो वो तो वहीं से निकल जाएगा, कितना सिंपल क्वेश्चन था है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए एंगल बी एंगल सी के कोण द्विभाजक एंगल बाइसेक्टर जो है परिवृत्त मींस सर्कम सर्कल को डीईएफ पर काटते हैं इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। देखिए ट्राइंगल एबीसी को एंगल ए एंगल बी और एंगल सी के कोण द्विभाजक परिवृत्त में काट रहे हैं ना, तो पहले आप परिवृत्त बना लीजिए, राइट। मतलब सर्कम सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास होता है वो आपका सर्कम सर्कल कहलाता है। अब ये एंगल बाइसेक्टर है जो आपके यहां आके मिल रहे हैं एडी बी एंड सी, दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स। हमें दिया हुआ है एंगल ए इक्वल टू 50 डिग्री। अब थोड़ी चीजें समझिएगा, आपको ये वाला एंगल दिया हुआ है 50 डिग्री, ई एफ सी
ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है 34 डिग्री, हमसे बाकी वाला एंगल पूछे गए हैं। अब जो मैं फोकस करवा रहा हूं ध्यान से देखिए, अगर ये वाला 34 है तो ये वाला एंगल भी 34 होगा। ये एक तरह से इसी कॉर्ड ही है, और क्या है, अगर ये एफ पर 34 बना दी तो डेफिनेटली यहां पर भी कितना बनाएगी, 34 डिग्री बनाएगी। आपको पता होना चाहिए दोनों एंगल बराबर है, तो ये भी 34 होगा। क्यों बराबर है, क्योंकि BE इज एंगल बाइसेक्टर, BE इज एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये दो एंगल इक्वल डिवाइड करेगी। कंफर्म, ये पूरा ट्राइंगल एबीसी है। ट्राइंगल एबीसी में क्या हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। मतलब एक एंगल 50 है, दूसरा ये एंगल 68 है, 50 + 68 मतलब आपके 118 आ गया। इन दोनों का सम, अगर मैं 180 में से 118 लेस करूंगा तो मेरे हिसाब से मेरे पास कितना एंगल बचेगा, 62 बचेगा। 62 ये वाला पूरा हो गया, तो ये वाला 31 और 31 होना पड़ेगा ना हाफ, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, ये पूरा 62 है, तो 31 और 31 होना पड़ेगा। अब अगेन इस लाइन को देखिए, FB, अगर ये 31 है तो ये वहां जाकर कितना बना लेगा, 31 बना, राइट। ये BC ऐसे 50 बना रहा है, देखिएगा BC को, BC है जो आपके ऊपर सर्कमफेरेंस A पॉइंट पर 50 बना रहा है, तो यही वाला BC E पॉइंट पर भी तो आ रहा है, यहां पर भी कितना बनाएगा, 50 डिग्री। अब यहां पर एक चीज और आएगी, उसका कॉन्सेप्ट आपको पहले ही बता दूं, मैंने नाम भी लिया था अभी थोड़ी देर पहले, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का सिंपल सा मीनिंग है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसके चारों वर्टेक्स से एक सर्कल पास होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसे चारों वर्टेक्स से एक सर्कल पास होता है। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, ट्राइंगल चाहे कैसा भी हो, ट्राइंगल चाहे कैसा भी हो, कोई भी ट्राइंगल ले लीजिए, अगर वह शेप ट्राइंगल का है तो एनी हाउ उसके अंदर भी एक सर्कल बनेगा जो सारे साइड्स को पास करते हुए बनेगा, साइड्स को टच करते हुए बनेगा, और एक बाहर सर्कल बनेगा जो सारे वर्टेक्स को टच करते हुए या पास करते हुए बनेगा, 101%। लेकिन क्वाड्रिलेटरल में ऐसा नहीं है, चतुर्भुज में ऐसा नहीं है, हर चतुर्भुज के बाहर मतलब चारों वर्टेक्स से पास होकर एक सर्कल बन जाए कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिससे बनेगा उस चतुर्भुज की एक क्वालिटी होगी, आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होगा। मान लीजिए ये ए बी सी डी है, देन एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा, एंड एंगल बी प्लस एंगल डी 180 होगा, मतलब ये चीज होनी पड़ेगी। आप लिख लीजिए, मैं इसको हटा दूंगा, अभी आप पॉज करके लिख सकते हैं, मान के चलूंगा आपने लिख लिया, मैं इसको हटा रहा हूं, मैंने जस्ट बताया था कि ये प्रॉपर्टी है। अब एक करके देखते हैं, अपन को एफ ई बी चाहिए, एफ ई बी 31 हो गया, इसका आंसर 31 आ गया। एफ ई सी, एफ ई सी 50 + 31 81 हो गया। ए ई सी ये वाला है, ए ई सी, अब आप ध्यान से देखें, ए बी सी ई साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, ए बी सी ई चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर है, वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है, तो आमने सामने वाले कोणों का योग 180 डिग्री रहा हो, कंफर्म है। तो देखो 34 34 68 है ना, और ये इन दोनों का सम कितना रहा होगा, 180 डिग्री रहा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सम करना है, देखो 68 + 50 + 31 + x बराबर 180। ये कर सकते हैं, आप कहो सर यहां से x निकलेगा और तीनों को ऐड करें, देखो ये तब करता जब मेरे को इस वाले एंगल की वैल्यू चाहिए होती। अगर मेरे को टोटल एंगल ही चाहिए, मेरे को AEC चाहिए, तो मैं सिंपल कह दूंगा ना, ये 68 है तो एंगल AEC प्लस 68 बराबर 180। तो ये आप सॉल्व कर लीजिए, 180 में 60 गया 120, 112, मतलब ये पूरा एंगल कितना आ जाएगा, 112 डिग्री। तो आपको सिर्फ इतना सा चाहिए, जब तो मैंने पिछला बार लिखा था वो हो गया, और आपको अगर ये कंप्लीट चाहिए तो 112 डिग्री हो गया यहाँ से। आई होप अब समझ में आ गया होगा इस पूरे के अंदर क्या करना। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना नहीं भूले,
चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक तो शेयर करना ही है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एबीसी और एमएनसी किसी वृत्त की दो छेदक रेखा है, दो सेकंड है। हम ये लाइन सुनते ही डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, आपको लग रहा है डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, लेकिन एक क्लियर देखिए ना, जो वृत्त के बाहर है पहली बात तो सी बिंदु, जो वृत्त के बाहर दिया हुआ है उसकी बात हो रही है, और दूसरा हमें कहा हुआ है कि ए एन जो है वृत्त का व्यास है, ए एन वृत्त का व्यास है, मतलब डायमीटर दे रखा है ना, तो दो सेकंड हमें दे रखी है ए एन सी और एम एन सी, जिसमें ये भी कह रखा है सी इज द जो पॉइंट है जो वृत्त के बाहर है, सी पॉइंट जो है सर्कल के बाहर की तरफ है, आउटसाइड द सर्कल। अब देखें थोड़ा सा, अगर ए एन वृत्त का व्यास है तो मैं डायग्राम कुछ इस प्रकार में तो ड्रॉ कर सकता हूँ, पहले मैंने ए एन मान लिया, ये रहा वृत्त का व्यास, अब आपको जो बनाना है बना लीजिए, जैसे ए बी सी और एम एन सी, सपोज ये ए बी सी और ये एम एन सी, ये ए बी सी, ये डायग्राम हो गया ऑटोमेटिकली। अब एंगल सी बराबर 28 डिग्री, एंगल सी बराबर 28 डिग्री, एन ए बी, एन ए बी दिस एंगल इज 35 डिग्री, मेरे से पूछा है एम बी एन, ड्रॉ कर लेते हैं, ये वाला एंगल पूछा है। एक छोटी सी चीज देखो ना, एम बी एन के लिए एम एन जो है ये कॉर्ड है और इससे एक लाइन जा रही है, एक लाइन देखो मैं ड्रॉ करता हूं, आप देखिएगा ये लाइन मैं ड्रॉ करता हूं, क्या आपको यही एंगल निकालना है जो मैं कह रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम है, कोई दिक्कत है क्या? क्यों करी पता है? क्योंकि ये डायमीटर है, डायमीटर से ये एंगल जो बन रहा है ना, ये आ गया 90 डिग्री। अब सारा खेल है इस वाले एंगल का, अगर ये वाला एंगल मेरे पास आ गया तो मुझे सारी चीजें मिल गई, इस वाले एंगल को कैसे निकालना है? ट्राइंगल का एक नियम और है, आपको पता है ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, तो थर्ड एंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है वो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, पता है? इसका एक्सटीरियर टू अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है, जिसका बाह्य कोण जो होता है दो विपरीत आंतरिक कोणों के बराबर होता है। ये आपका ये ट्राइंगल देखो ए सी एन, कौन सा ए सी एन है ना, ये वाला, ये जो लाइन आ रही है ये एक्सटीरियर एंगल है जो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगी 28 प्लस 35। अब मुझे नहीं लगता कि ये एंगल मुझे आपको निकाल के देना है कितना होगा, एक 90 है, एक 28 प्लस 35 है जो कि 49 होता है, सॉरी मैंने फटाफट में गलत बोल दिया, चार मान लो 63 होता है, राइट, मतलब 63 हो गया सम, 90 है ये 63 है, तो इसका सम निकल जाएगा 27, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 27। पर आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए इतना आ रहा है, चीजें समझ में आनी चाहिए किस प्रकार अपन ने एंगल को निकाला, कहीं डाउट नहीं रहना चाहिए मन में, और अभी एक बार देख करके आपको नहीं, देखो आपने अभी देखा है ना, थोड़ी देर बाद इसको आप खुद सॉल्व करें, जो चीज मैंने अभी सॉल्व करने के लिए कही है वो तो हाथों हाथ करनी है, लेकिन जो चीजें अभी मेरे द्वारा समझाई गई है, जो आपने अभी समझी है, उसको आपको थोड़ी देर रुके वापस देखना है कि मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरी कही गई बातों को याद नहीं करना है, मेरी बताई गई थ्योरम को जरूर याद करें लेकिन मेरी कही गई बातों को याद नहीं करें। अच्छा सर ने कहा था कि ये 27 होगा, अरे क्यों होगा, ये आपके दिमाग में आना चाहिए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट होती तो सम कितना होता, 180 होता, 90 और 80 170 के ऊपर जाता है, सॉरी ये 180 है, सॉरी सर एकदम दिमाग से निकल गया, 9 8 17 7 3 10 180 सम आ रहा है। इसके अंदर क्या है, सभी चीजें लिखी हुई है, मतलब जब बुक में डायग्राम देखा तो ये ऐसा बना हुआ ही है, नहीं पता चल रहा कि इसमें पहले क्या दिया हुआ था बाद में क्या निकाला है, लास्ट ये टर्म निकालनी है, इस टर्म में तो क्लियर है ना भाई कि 180 में से आपको 87 प्लस 63 करना है, ये आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो इसमें अपन क्या करें, ये डायरेक्ट आंसर निकालने वाला यही निकाल लेगा, तो इसमें नहीं पता कि अपन को डेटा क्या शुरुआत में क्या गिवन था, ऐसे सॉल्व किया हुआ है तो अपन ने एक बार लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अभी इंपॉर्टेंट क्यों है अभी देखें आप,
कभी कभार इस क्वेश्चन को देख करके अपन सॉल्व नहीं करते, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप खुद देखिएगा, यही पर सॉल्व कर लेते हैं ना, भले ज्यादा कुछ नहीं है। एंगल डीएबी पूछा है, डीएबी मतलब ये वाला एंगल पूछा है ना। अच्छा एबी आपको डायग्राम से क्लियर हो गया ना, डायमीटर है, सेंटर से पास हो रहा है, अगर डायमीटर है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा या नहीं होगा। और इस डायग्राम को अब ध्यान से देखिए, ये आपका 90 डिग्री, सी ए बराबर सी डी, ये दोनों बराबर दिया हुआ है, ये 34 डिग्री दिया हुआ है। मेरे को क्या पूछा है, डी ए बी, ये वाला एंगल पूछा, ये 34 है तो ये भी 34 होगा, ये बात तो कन्फर्म है। आपको थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, देखो ये जो सारे पॉइंट है ना, ए बी सी डी, ये आपके सारे पॉइंट कहां पर है, सर्कल के वर्टेक्स पर है, मतलब चार पॉइंट सर्कल के वर्टेक्स पर है, तो क्या हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया, आमने सामने वाले कोणों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो अगर सपोज मुझे एक्स निकालना है तो मैं क्या कहूंगा, 90 + 34 + 34 + x = 180। अब इस एक्स की वैल्यू आप निकाल लीजिए, ये आपके ऊपर है, अभी आप कैलकुलेट करिए और निकालिए कितनी आ रही है। पर इसमें क्या था, कुछ ऐसा पेचीदा सवाल जो अपने दिमाग में नहीं आ रहा हो, अभी जो थ्योरम बताई थी कि सब मोनोलिटी होता है, इतना ही तो पुट करना था, बाकी तो कुछ था ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट चीज और, जब भी डायमीटर बना हुआ है ना, तो मान लो 99.9% 90 डिग्री का यूज हो रहा होगा, देख लेना है ना। एसी और बीसी वृत्त की दो जीवाएं हैं, एसी एंड बीसी आर टू गॉड्स ऑफ अ सर्कल, लाइन बीए को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। देखो ये मैंने पहले ही बताया था, आप जैसे ये सपोज ये कॉर्ड ए बी है, आप मर्जी पड़े जब लाइन को यहां और यहां नहीं ले जा सकते। अगर उसने लाइन ए बी को एक्सटेंड किया है, ए बी को बढ़ाया है तो इस तरफ बढ़ेगी, और लाइन बी ए को एक्सटेंड किया है तो लाइन इस तरफ बढ़ेगी। इस चीज का आप थोड़ा खास ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेचीदा है, इस प्रकार का है कि हमारे पहले देखा हुआ होगा तो एग्जाम में हम कर पाएंगे, वरना शायद कहीं ना कहीं नहीं कर पाएंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में टाइप, अभी जैसे हमने टाइप देख ली तो अब ये एग्जाम में आएंगे तो हाँ हम दिमाग लगा पाएंगे, क्वेश्चन को कर पाएंगे, लेकिन अगर नहीं देखा होता तो शायद नहीं भी किया होता है ना। एसी और बीसी वृत्त की दो जीवाएं हैं, सी पॉइंट पर है, मतलब देखिएगा किस प्रकार, जैसे ये ए सी और बी सी वृत्त की दो जीवाएं हैं, बी ए को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, बी ए को बिंदु पी तक बढ़ाया गया, जब सी पी को मिलाया गया तो यह वृत्त को टी पर काट दिया। आपने व्हेन लाइन सीपी इज जॉइंड इट कट्स अ सर्कल एट टी, एसी इक्वल टू बीसी, ये दोनों कॉर्ड्स इक्वल है, सीपी हमसे पूछा गया है, सीटी इक्वल टू 5, बीसी इक्वल टू 8 मींस इट्स आल्सो 8, राइट। अब यहां बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये दोनों साइड सेम है, मतलब इस वाले एंगल को मैं थीटा मानूंगा तो इसे सामने वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। ओके इसको ड्रॉ कर दीजिए, देखो इसको ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, अब मैं आपको समझाता हूँ चीजें क्या होगी। ये थीटा तो ये थीटा, अब ये वाला लाइन पूरी 180 माइनस थीटा हुआ या नहीं हुआ, 180 माइनस थीटा होगी। एक और चीज देखना, बी ए टी सी क्या साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, बी ए टी सी मतलब ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। अब देखो इस ब्लैक वाले मैंने 180 माइनस थीटा नहीं लिखा, मैं जहां जहां एंगल सेम है वहां वहां कोशिश कर रहा हूं कि कलर सेम रहे, इन दोनों का कलर सेम है ना, ये मेरा एंगल कॉमन हो गया। अब मैं दो ट्राइंगल लिख देता हूं, मैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, एक ट्राइंगल बात कर रहा हूं एपीसी, आपके दिमाग में रहे,
और एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं एटीसी, राइट। अब देखो बात करता हूं एपीसी और एटीसी दोनों में। एपीसी में 180 माइनस थीटा भी है, एटीसी में भी 180 माइनस थीटा है, एक एंगल सी कॉमन है, तो बाकी बचा हुआ एंगल जो भी होगा दोनों सेम होंगे। वो कौन से एंगल होंगे मैं ग्रीन से मार्क कर दूं। सपोज इसके अंदर ये वाला एंगल, इसके अंदर ये हो गया, ये हो गया, तो इसके अंदर ये वाला एंगल, ये आपस में एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अपन को लगाना भी तो आता है, सिमिलर अपन ने सीख रखा है पहले। देखो 180 माइनस थीटा के सामने बड़े वाले ट्रायंगल में सीपी, 180 माइनस थीटा में छोटे वाले ट्रायंगल में अपॉन 8। अब देखें बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल में, बहुत ध्यान से देखना। अगेन बड़े वाले ट्रायंगल की बात करते हैं अपन। बड़े वाले ट्रायंगल में ये जो ग्रीन वाला है ना, ग्रीन वाले के सामने 8 और छोटे वाले ट्रायंगल में ग्रीन वाले के सामने 5, तो ये लो सीपी की वैल्यू आ गई 64/5। पॉइंट्स में निकालते रहिएगा, मैं कह रहा हूं है थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा समझने वाली बात है सर, ये चीजें हमारे दिमाग में कैसे आएगी। मैंने कहा ना आज देखा है ना तो अगली बार क्लिक कर जाएगा, इतना भरोसा आप अपने आप पर रखिए। ऐसा ही होता है, कुछ चीजें होती है कि देखने पर सर ऐसा अगली बार जरूरी नहीं ऐसा ही डायग्राम बने, ऐसी स्थिति कभी भी बनेगी ना तो आपके दिमाग में आ जाएगी, इस बात की गारंटी है। चलिए फिलहाल इसको पॉज करके आप लिख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एबी किसी वृत्त की जीवा है, डीओसी एक लाइन है जो वृत्त के बिंदु ओ से शुरू होती है, डीओसी एक लाइन है जो वृत्त के बिंदु डी से शुरू होती है और एबी का बड़ा हुआ भाग डीओसी को सी पर मिलता है, यही इंग्लिश में लिखा हुआ है, देखें एक बार। एबी किसी वृत्त की जीवा है, ये लीजिए। अब डीओसी एक लाइन है जो वृत्त के बिंदु डी से शुरू होती है और एबी को एक्सटेंड करते तब मिलती है, यही लिखा हुआ है। एबी का बड़ा हुआ भाग मतलब एबी को एक्सटेंड किया, डी ऑन द सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग एबी ऑन प्रोड्यूसिंग एट सी, जब एबी को आगे एक्सटेंड किया प्रोड्यूस किया तो वो सी पर मिलती है, या आपका सेंटर है वो और ए बी। आपने बोला हुआ है डी ओ इक्वल टू बी सी, बी सी इक्वल टू ओडी, ये लाइन बोली हुई है। ओडी पता है क्या है, रेडियस। एक और चीज आपको दे रखी है, एंगल बी सी डी इज 20 डिग्री। अब देखें ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये सब बराबर हो गए, जब ये और ये बराबर है तो ये रेडियस है, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, चारों बराबर हो गए। इसके सामने वाला एंगल 20, तो इसके सामने वाला एंगल 20 डिग्री। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जैसे ये ट्राइंगल है, इन दोनों के ये एंगल नहीं, हमें ये वाला एंगल चाहिए, तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स 20 और 20 40, तो ये वाला 40 यहां हो, सेम चीज ये वाला 40 यहां हो, सही है। ये वाला एंगल पता है क्या, ये पूरा बड़ा है ना ओ ए सी का एक्सटीरियर एंगल है, राइट, ओ ए सी का मतलब इस वाले एंगल का एक्सटीरियर एंगल है, तो टू अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन सा है, 40 और 20, तो यहाँ आ गया एंगल 60। हमसे यही पूछा गया है एंगल एओडी जो कितना होगा 60 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पॉज करके इसको लिख सकते हैं आप। ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का कोण द्विभाजक बीसी को डी पर काटता है तथा परिवृत्त को ई पर मिलता है, सर्कमसर्कल और एंगल का कोण द्विभाजक मींस मैंने जो बोला वो एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। देखें सबसे पहले परिवृत्त को काटते हैं तो परिवृत्त बना लीजिए ऐसे टाइम पर, ए बी और सी, क्या बोला, एबीसी कट्स बीसी एट डी एंड द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल एट ई, राइट, बीई इज इक्वल टू 3, एसी इक्वल टू 4, एडी इक्वल टू 5। तो सर इसको कैसे सॉल्व किया जाए, एबी पूछा है। देखो मैंने आपको बहुत पहले चीज कह दी थी कि जब भी साइड्स पूछे, देखो आप इतने टाइम में कभी भी देख लो,
जनरली जब भी साइड्स पूछी गई है तो हमने एक ही चीज काम में ली है, वो क्या काम में ली है, सिमिलर। तो दिमाग में और कुछ आना ही नहीं चाहिए, आपके दिमाग में एक चीज तो घुस जानी चाहिए, एनी हाउ उसको सिमिलर बनाना है चाहे कैसे भी बनाओ। अब आपको बोला था ना कि एंगल बाइसेक्टर है, तो उसने खुद ने ये एंगल और ये एंगल तो सेम कह दिया, मतलब किसी भी तरह ये वाला ट्राइंगल तो काम आएगा आएगा, राइट। दूसरा यहाँ कौन सा ट्राइंगल काम में देना है, ये वाला या ये वाला, या तो ये वाला ट्राइंगल बनता है या ये वाला बनता है। इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने से कुछ मिलेगा नहीं, कि नीचे वाला थ्री दिया हुआ है ना, इस साइड को यूज करना है ना, तो ट्राइंगल बड़ा वाला ले, थ्री भी यूज हो जाएगा, राइट। अब देखिए ये एसी लाइन, यहां पर एंगल अल्फा बनाएंगे तो ये भी एंगल अल्फा ही बनाएंगे ना, एसी वाला यहां पर अल्फा तो ये भी अल्फा, ये थ्री अल्फा मत ले लीजिएगा, एक मिनट, देखिए ये अल्फा ये थ्री अलग है, राइट। अब देखना ये अल्फा ये एंगल और ये एंगल बचा हुआ कौन सा, एक ये एंगल बचा और यहां पर ये एंगल बचा, कंफर्म। अब देखिए जिसके सामने वाली साइड है वही वाली काम है, जिसकी दो साइड दे रखी है, देखो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, इसके एट और फोर दो साइड दे रखी है ना, उस एंगल को प्रेफर करो, डबल डैश के सामने एट, इसके डबल डैश के सामने ए बी जो अपन को चाहिए, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल में फोर दिया हुआ है, इसके सामने है अल्फा के सामने, अल्फा के सामने फोर, यहां अल्फा के सामने फाइव, यहां से एबी की वैल्यू टेन आ जाएगी, एबी इक्वल टू टेन। इतना टाइम लगा, आपको क्लिक करना चाहिए, आपके दिमाग में एक चीज बैठ जानी चाहिए कि मुझे अगर साइड पूछी गई है तो मुझे कुछ और दिमाग में नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ यही सोचना है कि यहां पर किसी भी तरह सिमिलर की प्रॉपर्टी लग रही है क्या, सिमिलर थ्योरम लग रही है, मतलब मेरा काम हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखें क्वेश्चन नंबर 76, एबी व सीडी किसी वृत्त की दो जीवा है जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री ईच अदर, ओ वृत्त का केंद्र है। देखें डायग्राम किस प्रकार बनेगा, एबी और सीडी किसी वृत्त की दो जीवा है, जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है, ये लो एंगल सी ए ओ, सेंटर यहां मान लेता हूं, ये आपको 32 डिग्री दिया हुआ है और आपसे बी सी डी पूछा है, ये वाला आप सॉल्यूशन देखिए किस प्रकार करता है। अगर मैं इस लाइन को मिला देता हूं तो आप देख रहे हो ये लाइन और ये लाइन सेम होगी क्योंकि रेडियस है, तो इसके सामने वाला एंगल 32 है, तो इस ये वाला एंगल को भी 32 होना पड़ेगा, ये सेंटर है ना, 32 एंड 32 देखो पूरा ट्राइंगल 32 और 32 68 हो गया। अगर 180 में से 68 माइनस किया जाए तो आपके 112 डिग्री बचे, ये आपके 112 डिग्री जाए, यहां तक ठीक है, आराम से देखते रहिएगा, जैसे आप सॉरी 32 64 होता है, सॉरी छोटी सी गलती है, ये 180 64 माइनस होगा, 10 में से 4 गया 6 और 17 में से 6 गया 11, 116 आएगा 112 की जगह, ये लीजिए 116 डिग्री आ गई। अब मैंने आपको बताया था या फिर नहीं तो आप देख लीजिए, एक जीवा है कॉर्ड है, केंद्र पे बना कॉर्ड परिधि पर बने कॉर्ड का दुगना होता है, सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो सर्कमफेरेंस से बने जस्ट एंगल का डबल होता है, मान लीजिए एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल 2 थीटा होगा, सेम कॉर्ड के द्वारा, ये कॉर्ड है एसी, ये 116 है, इसको अगर आगे बढ़ाया जाए या फिर आगे क्यों बढ़ाना, ये 16 है, इसी कॉर्ड से अगर ये परिधि पर आएगा तो इसका एंगल हाफ हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, एक दूसरे 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये 90 है ये 58 है, ये वाला एंगल तो आप खुद निकाल लेंगे, अब कोई डाउट है नहीं। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना नहीं भूलें, शेयर करना नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।